मैं मरुआ नहीं, कायर नहीं हूँ, मैं कायर नहीं हूँ। लव मैरिज अपने दम पे कर रही है और अपने दम पे बसाऊंगा, अपनी वाइफ को लेके आऊंगा अपने दम पे। अच्छा, विकास जंगड़ा व्लॉग में स्वागत है दोस्तों। ये है प्रवीण भाई। प्रवीण भाई राम राम। राम राम भाई सारे भाई ने। तो प्रवीण भाई ई पे लास्ट में एक बात पूछूंगा तेरे तजमा। हाँ नू बता, आगे का मैटर क्या चल रहा तेरा भाई? मैं 6 तारीख दे दी पंचकुला की फेर लगा दी उनके घर क्या ने खुद तय ना लगाई के मेरा किसकी के साजिश है जो उनकी रिश्तेदारी ने लगाई है, एफआईआर दी है 17 ने हमारी पंचकुला तारीख थी 17 जनवरी 2023 को। वहाँ पे क्या रहा? वहाँ पे उन्होंने मना कर दिया, फिर अब उन्होंने ये दे रखी है ना कि मैंने धमकी दी है उनको। किस चीज की धमकी? मारने की। मारने की धमकी। 17 तारीख को उन्होंने एप्लीकेशन लगवाई है और उसके बाद मेरा समझौता भी हो लिया था उनके अगर मीडिया पे हमारा नाम लेना। मैं ठीक है आप मेरे मैटर में नहीं होगा, मैं क्यों नाम लूंगा किसी का, मेरे को मतलब ही नहीं है किसी से। अच्छा, मेरे को अपनी वाइफ से। पर अब वहां से फोन आया मेरे पास, ठीक है जी मैं 6 तारीख का आता हूँ मैं पंचकुला, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कुछ गलत नहीं कर रखा तो मैं क्यों भागूंगा, जाऊंगा मैं। हाल फिलहाल अब कहाँ बैठे हुए आप? अभी मैं राजस्थान हूँ। राजस्थान हो? हाँ जी। यहाँ पे क्या काम हो गया आपको? भाई अपनी गाड़ी बुकिंग लेके आया था। ये तो नहीं आप छुपते फिरते हो किसी से? भाई छुपता फिरता था, अपने बालक आती है अपनी रोटी कमानी है, बुकिंग मारन आ रहा हूँ क्या तलुकूँ, चोरी कर रहा हूँ किसी की। अच्छा, हमने बालक आती कमाना था, चोरी थोड़ी ना होगी, कमा के खाना भाई। और पहला भी काम था मेरा ड्राइवरी का, पर आज भी हो। तो कई लोगों के प्रवीण भाई यो मैसेज आ रहा है भाई इसका घर कौन ही बस है? भाई ना बस है वो भगवान ने लिख के भेज रखी है, हमें किसे कही तो ना बस है और ना उजड़े है। मेरे कर्मावा होगी ना मेरी ज्योति और इन बालक के कर्मावा होगी आओगी, मेरा सच्चा प्यार होगा ना तो आओगी, ज्योति ने भी राम ने सच्चा प्यार कर रखा, धोखा नहीं दे रखा तो आओ। प्रवीण भाई तो शुरू तेन नुकण लग रहे सच्चा प्यार है मेरा, सच्चा भाई प्यार सच्चा है। कर रखा है फिर भी वह क्यों नहीं आने लग रही भाई? तेरे में खोटो का जी दे, मजबूरी हो सका आदमी की मजबूरी, तेरे में खोटो का जबे ये भाई जब ती आग ली आग के नहीं आओगी ना, जब ती आग ली आग गा के नहीं बताती तब मजबूरी का कोई बता नहीं सकता भाई। सारी पब्लिक इन नुकण लग रही इसमें खोट है भाई, मेरे में खोट है, खोट तो बताओ के है, पब्लिक तो पूछू के खोट है, पब्लिक का बता दो क्यों खोट है। दारू के सिवा मेरे मगर बीड़ी का, मेरे घर में बीड़ी भी पा जाता है, मेरी बुआ है बता देगी ये बात। दारू का सबसे बड़ा बैल हुआ यार, कदे कदार पार्टी वगैरह में कौन ना पीता भाई आज के टाइम पे बता दो। अच्छा, अरेंज मैरिज हुआ है सो में तो एक आदमी पा जाएगा, पार्टी वगैरह में सब पीवा भाई। अच्छा, अपना वो लत कोनी, अगले अपनी समय काल आदत है, अगले पीनी है पीनी है रोज, वो कोनी खुद मेरी वाइफ बता देगी मेरे बारे में, तो परवट का कुछ ना कह सकता भाई मैं। सही बात आप बोल रहे हो कि पंचकुला की तारीख है। हाँ 6 तारीख का भाई जाऊंगा। जाओगे? हाँ जाऊंगा और क्यों ना, मीडिया के सामने बोल रहे हो आप? मीडिया के आगे कहूँ और मीडिया ने लेके जाऊंगा। अच्छा, मैं क्यों डरूंगा? कितने बंदे जाओगे तुम भाई? देखे मैं तो जाऊंगा जाऊंगा, अगर मैं अपनी मम्मी को लेके जाऊंगा देख बच्चे भी परेशान होंगे, सर्दी का मौसम है छोटे बच्चे है, बाकी मैं खुद ही जाऊंगा और मीडिया वाले भाई जाएंगे, क्यों मैं जाऊंगा, अगर नहीं जाऊंगा तो मैं चोर साबित हो जाऊंगा, आप झूठा साबित मैं होऊंगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा सच बोल रखी है मैंने इसीलिए, और जाऊंगा मैं। अच्छा, पक्का जाओगे? जाऊंगा 101%। वहाँ पे क्या रहेगा? बाकी उनके हाथ में क्या रहेगा, मेरे को क्या पता कानून का। अच्छा, वो तो थाने वाले बताएंगे अब। नहीं वहाँ पे आएगा कौन कौन ये बताओ? जिन्होंने कम्प्लेंट दर्ज की वो तो आएंगे। अच्छा, मेरी वाइफ ने तो दे नहीं रखी ये कन्फर्म है। ये कैसे कन्फर्म हुआ? मेरी वाइफ वहां नहीं देख सकती, मेरे को इतना तजुर्बा है और प्यार है उससे। अच्छा, मेरी वाइफ ने नहीं दे रखी, जिसने दे रखी है मेरे को पता है, अगर मैं फिर नाम ले दूं। हाँ, जिस दिन 6 तारीख को आएंगे ना वो, अगर उन्होंने ये इल्जाम लगा दिया मैं नोटिस भी दिखाऊंगा आसो दे चौके का भी, और फिर बताऊंगा क्यों नाम ले रहे हैं मेरे, परेशान करने का हरेसमेंट जो मेरे को करे ना हरेसमेंट, अगर मैं मर जाऊं खुदकुशी खा के कर लूं अपने बच्चों के साथ भी कुछ करके मर जाऊं, मैं वो काम नहीं करूंगा, गलत कदम नहीं उठाऊंगा, गलत नहीं कर रखा, अरे मैं तो मर जाऊंगा मेरे बच्चों की जिंदगी खराब होगी, ये तो देखो मेरे बच्चों की जिंदगी खराब हो जाएगी, जो इन्होंने अभी जिंदगी में पैर भी नहीं टेका, अब क्या है वो, उनके लिए जीऊंगा मैं, मरूंगा नहीं, कायर नहीं हूं मैं।
गुनाहगार नहीं हूँ, मतलब मैरिज अपने दम पे कर रही है और अपने दम पे बसाऊंगा, अपनी वाइफ को लेके आऊंगा अपने दम पे। अच्छा,